जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो पहले आप सुनिए। जो मौलाना साहब को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जो अल्लाह को शहीद हो गए, सबसे पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए। जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में। दोस्तों ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इस वीडियो के वायरल होने के बाद में जिस जिसने भी ये वीडियो को सुना, मौलाना साहब ने अल्लाह से एक ऐसी दुआ की कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाएं और एक ही थाली में खाएं। और ऐसे मौलाना साहब को दोस्तों कुछ आतंकियों ने मस्जिद के अंदर घुसकर दोस्तों गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी, उनको शहीद कर दिया। इनका टिकट था दूसरे दिन, जिस दिन ये खत्म हुए इनको गोली मारी गई, उनके दूसरे दिन इनका ट्रेन का टिकट था। अगर एक दिन पहले का इनका टिकट होता दोस्तों तो ये उस दिन बिहार चले जाते। इनके भाई की तरफ से एक खबर आ रही है कि दूसरे दिन इनका टिकट था जिस दिन खत्म हुए, अगर खुदा की तरफ से अगर एक दिन पहले का इनका टिकट मैं बुक करा देता तो आज ये जिंदा होते। ये मौलाना साद के भाई की खबर है दोस्तों। बार बार वो अपनी टिकट बुकिंग की मोबाइल के जरिए से देख रहे हैं और अफसोस कर रहे हैं कि काश ये एक दिन पहले हो जाता। हरियाणा के नूह से जिस तरीके से ये गुरुग्राम तिलक मस्जिद 57 सेक्टर में एक निर्माणाधीन मस्जिद में जो काम कर रहा था, वहां 100-200 उग्रवादी आए, आतंकी आए और किस तरीके से वहां निर्माणाधीन मस्जिद के अंदर घुसे, वहां पर 3-4 लोग थे। ताकि वहां से कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि वहां पुलिस की थी और सुरक्षा थी, लेकिन दोस्तों उग्रवादियों की भीड़ इतनी थी कि पुलिस की सुरक्षा वहां पर बहुत कम हो गई और उनमें से ही किसी ने गोली दाग दी मौलाना साहब को। लेकिन उसके बाद में वहां की सरकार जो है उन्होंने वीडियो फुटेज के आधार पर ये बयान दिया है कि अगर जिस जिसने भी इसका नुकसान किया है भरपाई दोस्तों उनके उग्रवादियों से ही की जाएगी, उग्रवादियों से ही की जाएगी और एक को भी नहीं बख्शा जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दोस्तों ये हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाने वाले ये भूल जाते हैं कि मारा कौन जाता है, मारा दोस्तों कोई गरीब बेकसूर जाता है। मैं वीडियो मैंने बहुत सारी देखी, एक से एक वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर देखी, वो वीडियो देखी, एक हिंदू भाई की भी देखी जिसने अपना एक नया शोरूम देखा था, जैसे कैसे कैसे मेहनत कर करके दोस्तों उसने शोरूम डाला अपना, छोटा मोटा जैसे भी रोज धंधा कर रहा था, उसके शोरूम में आग लगा दी। ऐसी और भी वीडियो देखी, मतलब एक आम मजदूर टाइप का दोस्तों लोगों का नुकसान होता है। सिर्फ इस हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं और वो उग्रवादी भीड़ में शैतान बनकर जानवर बनकर आते हैं, ना यही देखते हैं अच्छा देखते हैं ना बुरा देखते हैं, उनको तो बस जो भी सामने आया उसको खत्म करते जाना है। अब वो अपना एंड नहीं देखते, इनका एंड होना क्या है। अब इसमें मान लीजिए वीडियो फुटेज के आधार में उनकी जो भी शनाख्त होगी वो पकड़े जाएंगे, लेकिन मौलाना साहब का दोस्तों ये वीडियो जो वायरल हुआ है भरुलाने वाला, इस तरीके का वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से, मौलाना साहब का ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ लोग इसको बहुत धड़ल्ले से वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए एक ऐसे इंसान को मार दिया जो अल्लाह से दुआ कर रहा है कि एक ऐसा हिंदुस्तान बनाए जिसमें हिंदू मुस्लिम थाली में एक साथ खाए। और सुनिए इस वीडियो के जरिए से दोस्तों जो भी देख रहा है एक पैगाम मौलाना साहब दे गए और देखिए उसके बाद में क्या हुआ, मौलाना साहब को खत्म कर दिया कुछ दरिंदे जानवर।